नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों, अभी हमने जो वीडियो अपलोड किया था दुबई के लिए, वो वीडियो जिसमें हमने डेट 13 तारीख की रखी थी, दोस्तों अभी ये डेट एक्सटेंड कर दी गई है। 20 तारीख तक अगर आप आएंगे तो आपका प्रोसेस कर दिया जाएगा। दोस्तों, इसमें जो रिक्वायरमेंट है, सारी रिक्वायरमेंट अवेलेबल है। मैं प्रोफाइल को शॉर्ट में बताऊंगा, डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में जानकारी दी है। हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है, सुपर मार्केट में स्टोरकीपर, कैशियर, स्टोर बॉय, शेल्फ बॉय, क्लीनर, हेल्पर, ये 5 पोजीशन की रिक्वायरमेंट है, जिसमें से स्टोरकीपर, कैशियर और सेल बॉय के लिए इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। क्लीनर और हेल्पर में केवल मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। स्टोरकीपर कैशियर में सैलरी होगी 1000 से लेकर 1200 दिरहम और ड्यूटी आवर्स रहेगा 10 घंटे के लगभग। इसमें स्टोर बॉय, स्टोर गर्ल या सेल बॉय, सेल गर्ल की रिक्वायरमेंट, इसमें सैलरी होगी 900 से 1000 दिरहम, सेम ड्यूटी आवर्स रहेगा। हेल्पर क्लीनर की रिक्वायरमेंट होगी, सैलरी होगी 800 से लेकर 900 800 दिरहम और उसमें सेम ड्यूटी आवर्स रहेगा। दोस्तों, ड्यूटी आवर्स रहता है वो मॉर्निंग 7 से लेकर इवनिंग 6 पीएम के बीच में होता है, अगर डे शिफ्ट है, और नाइट शिफ्ट है तो उसका टाइम वो अलग से रहते हैं। सो दोस्तों, जो टाइमिंग रहता है वो टोटल विंडो रहती है 11 घंटे की, लेकिन उसमें कैंडिडेट को ब्रेक मिलता है, जिसमें सुबह का ब्रेकफास्ट ब्रेक मिलता है, लंच ब्रेक मिलता है और शाम को टी ब्रेक मिलता है, और उनको एक्स्ट्रा काम रहता है तो उस टाइम पर उनको डिनर के लिए अलग से ब्रेक मिलता है। सो दोस्तों, इसमें ओवर टाइम तो नहीं होता है, जो ड्यूटी का विंडो है, जो टाइम विंडो रहेगा, उस विंडो के अंदर उनको लगभग 10 घंटे जैसा काम करना होता है, और ये रिक्वायरमेंट रहती है सुपरमार्केट में। लगभग सभी जगह ये फंडा अप्लाई होता है। सैलरी वगैरह सब कुछ प्रॉपर रहती है, टाइम पर मिलती है सैलरी, बहुत मतलब मीन्स कंपनी जो रहती है वो प्रॉपर तरीके से कंसिडर करती है, वाइट कॉलर जॉब रहती है, और उसमें ओवर टाइम नहीं होता है। वीकली एक ऑफ मिलेगा, वीकली ऑफ में अगर कभी जरूरत पड़ेगी तब आपको बुलाया जाएगा, उसका आपको एक्स्ट्रा ओवर टाइम मिलेगा, लेकिन डेली आपको जो ड्यूटी आवर्स है सिर्फ उसी के अंदर में काम करना होता है। दोस्तों, ये रिक्वायरमेंट अभी भी है, और इसके अलावा हमारे पास में ऑयल एंड गैस सेक्टर और कंपनी के लिए अलग से रिक्वायरमेंट है, जिसमें इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, शटरिंग कारपेंटर, स्टील फिक्सर, मेसन, कारपेंटर, हेल्पर, इन सभी की रिक्वायरमेंट है, जिसमें से ट्रेड वाली प्रोफाइल के लिए एसी टेक्नीशियन है, डीजल मैकेनिक है, जो भी ट्रेड है, जितना भी ट्रेड कंस्ट्रक्शन और ऑयल एंड गैस सेक्टर की रिक्वायरमेंट होती ना, जो भी टोटल ट्रेड होती है ना, वो सभी ट्रेड के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, रेगर हो, जेसीबी ऑपरेटर हो, हर टाइप के प्रोडक्ट, लेकिन खास तौर से अभी इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, टेक्नीशियन, डीजल मैकेनिक, एसी टेक्नीशियन, एसी मैकेनिक, इसमें फिटर, पाइप फिटर, फैब्रिकेटर, शीट मेटल फैब्रिकेटर, स्टील फिक्सर, इन सभी प्रोफाइल के लिए लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी होगी 1100 से लेकर 1300 के बीच में, मीन्स मिनिमम 1100, मैक्सिमम 1300, और उससे ऊपर होगी तो वो अलग बात है, उसके ऊपर हम अभी नहीं बोल सकते, लेकिन अभी हम 1100 से लेकर 1300 के बीच में सैलरी ले सकते हैं। ये 10 घंटे की ड्यूटी होगी, इसमें 9 घंटे काम करना होगा, 1 घंटे का ब्रेक रहेगा, और इसमें हेल्पर की सैलरी होगी 1000 दिरहम जैसी सैलरी होगी 10 घंटे की, जिसमें 9 घंटे काम करना होगा, 1 घंटे का ब्रेक होगा। उसके ऊपर जो रहेगा वो ओवरटाइम का रहेगा, कंपनी की तरफ से ओवरटाइम जरूर मिलता है, क्योंकि कंपनी को वर्कर की रिक्वायरमेंट होती है, मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोसेसिंग टाइम होगा मीन 25 तारीख के लगभग उनको फ्लाई करना होगा। दोस्तों, ये रिक्वायरमेंट काफी अर्जेंट है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अर्जेंट का मतलब वैसा कि प्रोसेस हो जाएगा, टाइम पर हो जाएगा, और कंपनी में पहुंचने के बाद, जैसे इसमें विजिट टू एम्प्लॉयमेंट वीजा होगा, और वहां पहुंचकर 7 to 10 डेज के अंदर कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हो जाएगी, और उनका मैक्सिमम प्रोसेस हम यहीं से कर देंगे, उनके सभी डॉक्यूमेंट्स कंपनी को भेज देंगे, और वहीं से सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, वहां से वीजा जाएगा, वहां से टिकट आ जाएगा, और यहां पर कैंडिडेट को 50% पार्ट इंडिया में करना है, 50% पार्ट दुबई में जब जॉब लगने वाली होगी उस टाइम पे करना होगा, काम उनका 100% होगा। अगर उनको शॉर्टलिस्ट किया गया, अगर कंपनी तरफ से ओके कर दिया कि बंदे को दुबई बुला सकते हैं, तो उनका काम 100% हो जाएगा, लेकिन वहां पर पहुंचने पर 4-5 दिन जैसा टाइम लगता है, क्योंकि वहां पहुंचने पर कोरोना का टेस्ट होता है, कोरोना की रिपोर्ट आती है, उसके बाद फिर कंपनी में फॉर्मेलिटीज वगैरह होती हैं, वो सारी चीजों में 5-6 दिन का टाइम लग जाता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कैंडिडेट की ज्वाइनिंग 7 to 10 डेज के अंदर कंफर्म हो जाती है, और उस पीरियड में कैंडिडेट को वहां पर एकोमोडेशन का अरेंजमेंट हम करवाएंगे, और उनका जो इसका फूड का अरेंजमेंट होगा, फूड का उनको खुद करना होगा, लेकिन एकोमोडेशन का अरेंजमेंट हम खुद कराएंगे। दोस्तों, इसमें सर्विस चार्ज भी थोड़ा कम हो गया, सुपरमार्केट का सर्विस चार्ज तो ऑब्वियसली जो रहेगा वो रहेगा, लेकिन बाकी ट्रेड में थोड़ा कम रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी कैंडिडेट जब बाहर जाए तो उसको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि सर्विस चार्ज के अलावा उसको कम से कम 1 महीने का एक्सपेंस लेके जाना होगा। उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि कुछ कंपनी अलाउंस नहीं देती हैं, कुछ अलाउंस दे देती हैं, कुछ फूड देती हैं, एकोमोडेशन नहीं देती हैं, एकोमोडेशन देती हैं, फूड नहीं देती हैं, या कुछ नहीं देती हैं, पैसे देती हैं, तो उन सब के लिए 1 मंथ का एक्सपेंस मीन्स कैंडिडेट के पास कम से कम 20,000 रुपये होना चाहिए, और जो 1 महीने का सर्वाइवल हो सके, क्योंकि ट्रांसपोर्ट काफ़ी महंगा रहता है, कहीं जाना हो, शुरू के टाइम में घूमने जाते हैं, वो सब में थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये चीज़ किसी को भी नुकसान ना करे, टाइम में कभी प्रॉब्लम ना आए, इसलिए कैंडिडेट को लगभग मिस 1000 दिरहम जैसा उनको रखना होगा। खर्च अपने हिसाब से करें, खर्च ना हो तो बाद में घर पर भेजते हैं वो अलग बात है, लेकिन
पैसा कैरी करना कंपलसरी है, जिसमें किसी को तकलीफ नहीं होती है। वहाँ पर अगर आपको डॉक्यूमेंट्स जेरोक्स करना है, प्रिंट आउट करना है, काफ़ी महंगा होता है। और जो इनिशियल डेज में फूड रहता है, वो शुरू के टाइम में घूमने भी जाते लोग, कुछ चीज़ें पसंद आ गई वो भी लेना है, और वहाँ पर अगर एकोमोडेशन में मिनिमम चीज़ें, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो खुद परचेज करनी होती है, तो शुरू में कुछ पैसा कैंडिडेट को कैरी करना ही होता है। कम से कम ये मान लीजिए 500 से लेकर 1000 दिरहम तो उनको पर्सनल एक्सपेंस के लिए रखना चाहिए। आप खर्चा कैसे करते हैं, कम से कम कॉस्ट करने वाले बंदे को कम से कम 500 रखना चाहिए, और अगर एवरेज खर्चा करना है या ज़्यादा खर्च करने वाला बंदा, तो उसको 1000 दिरहम तो कम से कम ले जाना होता है। दोस्तों समय काफ़ी कम रहेगा, लेकिन फिर भी अगर 20 तारीख तक कोई भी कैंडिडेट हमारे ऑफिस में आता है डॉक्यूमेंट्स लेके, जिसमें ओरिजिनल पासपोर्ट, रिज्यूमे डॉक्यूमेंट, एक्सपेंस सब कुछ लेके आना है, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आएंगे, एक सेट जीरोक्स कॉपी भी लेके आएंगे और सभी का स्कैनिंग कॉपी भी लेके आएंगे, डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, उसके बाद में कैंडिडेट का फ्लाई होगा। वैसे तो इंडिया में कहीं से भी हो सकता है, लेकिन अगर वो हमारे साथ में, मीन्स हमारी कंपनी के साथ तरफ से कोई बंदा जाएगा, उनके साथ में आना चाहें, तो वो अहमदाबाद से फ्लाइट होगा, और अगर कोई बंदा कहीं और से फ्लाइट करना चाहे तो वो वहाँ से फ्लाई कर सकते हैं, और सीधा वो डायरेक्टली दुबई में हमें मिलेंगे। सो दोस्तों ये सारी प्रोसेस रहेगी वहाँ पर, लाइक हमारी टीम से एक पर्सन रहेंगे तो आपको पूरा पूरा कोऑर्डिनेट करेंगे, जो गुजरात से जाएंगे, वडोदरा से जाएंगे। सो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी कि आपको सपोर्ट मिलेगा। हमारा टारगेट है कि इन सभी प्रोफाइल्स में 20 लोगों का बैच बना के ले जाने वाले हैं, और 20 तारीख तक जो लोग भी आ जाएंगे उनको डेफिनेटली प्रोसेस कर सकते हैं। और वीज़ा की बात रहेगी, अगर 20 तारीख को भी कोई कैंडिडेट आएगा तो भी उसका वीज़ा टाइम पर प्रोसेस हो जाएगा, और उसको फ्लाइट भी टाइम पर हो जाएगा। कुछ लोगों का फ्लाइट हमारे कलीग के साथ में जाएगा, या मीन्स कोई बंदा हमारी तरफ से होगा उनकी तरफ से उसी साथ में हो जाएगा, और कुछ लोगों का फ्लाइट उसके 2 दिन 3 दिन बाद 5 दिन बाद 1 हफ्ते बाद हो जाएगा, लेकिन उनका काम वहाँ पर कंप्लीट कराने के बाद ही हमारे ऑफिस से जो भी पर्सन जाएंगे वो वापस आएंगे। सो दोस्तों ये रिक्वायरमेंट काफ़ी अच्छी है, और इसके बारे में आप विचार कर सकते हैं दुबई के लिए। आपको जो भी प्रोफाइल्स में इंटरेस्ट हो अप्लाई कर सकते हैं, खासतौर से कंस्ट्रक्शन और ऑयल एंड गैस में जो ट्रेड वाली प्रोफाइल्स होती हैं उसमें डेफिनेटली आपको जॉब मिल जाएगी, राइट। और प्रोफाइल का असेसमेंट हम यहाँ से करवा के भेजेंगे। दोस्तों वैकेंसी किस लिए अगर पसंद आई तो आपको दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, जिससे कि रिलेवेंट लोग इसमें लाभ ले सकते हैं। और इसमें एज लिमिट रहेगी 20 साल से लेकर 35 साल के बीच में, 20 से 35 साल के बीच में ही लोग अप्लाई करें, उससे ज़्यादा एज वाले लोग इसमें अप्लाई ना करें। 20 से 35 साल के होंगे तो उनको डेफिनेटली मीन्स उनका काम वहाँ पर 100% हो ही जाएगा। कभी कभी एज क्राइटेरिया की वजह से कुछ लोगों का काम थोड़ा लेट होता है, काम सभी होते हैं लेकिन थोड़ा लेट होता है दोस्तों। और उसमें सिंपल क्राइटेरिया मेडिकल और फिजिकल फिट होना चाहिए, और एक्सपीरियंस कंपलसरी है। फ्रेशर होंगे तो उनको उनके हिसाब से प्रोफाइल मिलेगी। और अगर आपको प्रोसेस के बारे में, फीस के बारे में पता करना है, तो जो नंबर्स दिए जाएंगे उन नंबर पर ऑफिस टाइम में 11 बजे से लेकर शाम के 6 बजे के बीच में कॉल करेंगे, सोमवार से शनिवार के बीच में आपको जानकारी मिल जाएगी। अगर आपने ऑफिस टाइम के बाद में कॉल किया तो फिर आपको मिस वीडियो देखा तो फिर आप एकदम करेंगे, व्हाट्सएप पर एक मैसेज डालेंगे जिसमें आपका पूरा नाम, सिटी, अपडेट मोशन मेंशन करने के बाद में आपको क्या क्या जानकारी चाहिए वो मेंशन करेंगे। आपको कॉल 2-3 वर्किंग डेज में आपको रिप्लाई जरूर आ जाएगा। रिप्लाई कैसे आएगा उसके बारे में आपको बताता हूँ। सपोज कीजिए आपने शनिवार की शाम को वीडियो देखा 6 बजे के बाद, तो फिर आपको आपने मैसेज उसी टाइम पर व्हाट्सअप किया, आपको रिप्लाई आएगा सोमवार, मंगलवार या बुधवार, 3 दिन में कभी भी। संडे को उम्मीद मत करें कि संडे को रिप्लाई आएगा, संडे को आप प्लीज़ कॉल भी ना करें दोस्तों आपको। और जो लोग इंडिया में रहते हैं वो लोग व्हाट्सअप पे कॉल ना करें दोस्तों, कॉल आप कॉल नंबर मिस जो वॉइस कॉल होता है सिम पे कॉल करेंगे वो ज़्यादा बेटर होगा, व्हाट्सअप कॉलिंग ना करें। और व्हाट्सअप पर मैं आपको कुछ बोलना है तो व्हाट्सअप में मैसेज डाल दो वो चलेगा, लेकिन व्हाट्सअप कॉलिंग में कंफर्टेबल नहीं होता, आप कॉल पर कॉल कीजिए आपको जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।